अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से मज़ेदार सी कैरी की चटनी बना सकते हैं। कैरी का क्योंकि सीज़न है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये कैरी जो है ये मैंने ली है अपने एक दरी प्लांट है वहाँ से, ताज़ा है बिल्कुल। तो इसको आपने ऐसे करना है कि धो के अच्छी तरह से कट करना है पीसेस की सूरत में, इस तरह से जिस तरह मैंने पीसेस के कर लिए हैं। तो ना ज़्यादा कच्ची है ना ज़्यादा पक्की है, तो इसी तरह की जो कैरी होती है, इसी जिस तरह के मुरब्बा बनता है और अचार के लिए बनती होती है, तो इसी बहुत मज़े की चटनी बनती है इसकी, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसको पीसेस में कट करके, तो किसी भी चॉपर में ब्लेंडर में आप इसको बना सकते हैं। तो मेरे पास चॉपर है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास चटनी थी हरे धनिया और पुदीने की, तो वो 2 टेबल स्पून ऐड किया, एक हरी मिर्च डाल दी है मैंने, ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून और सॉल्ट 2 टेस्ट है, साथ ही जो मैंने शुगर है वो 1 टेबल स्पून डाल दी है। और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसको हम अच्छी तरह से चॉप करना है तो थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी शामिल करके इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है, और ये रेडी है हमारी मज़ेदार सी कैरी की चटनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ही मज़े की बनती है, आप इसको सादा राइस के साथ, मटर पुलाव के साथ, रोटी के साथ इसको ले सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो आप ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।